चंद के डॉक्टर दिखाने नहीं होते ना आज तो, मतलब बिल्कुल नहीं आते, इतना धूप पे बिना काम पे कौन आता है भाई, लिटरली नहीं आते, इतना ज़्यादा धूप है ना। तो अभी सुचंदा कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे, तबीयत खराब है इसलिए फ्रूट्स वगैरह लेना जरूरी है। अभी हम लोग खाएंगे चना चाट, तो हालत ही खराब हो गई, इसको शक्ल देख के लग रहा है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइज आप सब, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:20 एंड गाइज 10 मिनट के अंदर मुझे रेडी होना है क्योंकि मैं सुचंदा भी जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे, तो 6:30 में निकल जाऊँगी, तो मैं 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाती हूँ। तो गाइज 6:30 हो गया है, मतलब 6:30 नहीं 6:40 हो गया एंड हम लोग निकल गए अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। ये कल से पानी गिर रहा है पता है, कल से। तो गाइज ये जो देख रहे हैं ना, ये अभी तो हो गया कैफेटेरिया, लेकिन पहले हम लोग की गर्ल्स की मेस हुआ करती थी, मतलब पहले हम लोग यहीं पर ही खाना खाने के लिए आते थे। अभी और जहाँ पर अभी खाते हैं ना वो था बॉयज की, तो अभी तो गर्ल्स और बॉयज एक साथ ही हो गया, और नहीं तो पहले हम लोग यहीं पर ही आते थे खाना खाने के लिए। मतलब सोच रहे हो सुचंदा, तुम तो तब नहीं आए थे, तब मैं तो तब फर्स्ट ईयर में थी, तुम तो नेक्स्ट ईयर, तुम आए थे यहाँ पर एक साल शायद। तो हम लोग उस गर्ल्स हॉस्टल से इतना दूर तक आते थे बस खाना खाने के लिए। देखिए पूरा फील्ड दिख रहा है, वाओ। सुबह सुबह लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, लेकिन उठ ही नहीं पाते, इतना रात करके सोते हैं तो कैसे सुबह उठ पाएंगे। तो गाइस हम लोग की मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज सब हो गया, अभी टाइम हो रहा है 7:30, एक घंटा हो गया, 6:30 बजे आए थे, मतलब 6:40 में आए थे, और अभी टाइम हो गया है 7:30। अभी जाऊँगी रूम पर, और आज तो बुधवार है, आज के खाना लिटरली बहुत ही गंदा तो नहीं बोलना चाहिए खाना को, लेकिन आज की खाना अच्छा नहीं है, चना और सूजी देता है, नहीं जाएंगे आज खाने, तो आज तो नहीं जाऊँगी खाने के लिए। ये देखिए गाइज ये है रुद्राक्ष की पेड़, हम लोग के कॉलेज में 2-3 है रुद्राक्ष के पेड़, तो उनमें से 2 तो पूरा मतलब बहुत तेज बारिश के वजह से, हवा की वजह से गिर गया था, एंड फिलहाल बस यही रह रहा है कॉलेज में, अभी आएगा रुद्राक्ष। वाओ, आया ही नहीं कैमरा तक। रोज और बोगनविलिया ले लिया, अभी जाके इसको रूम पे रखूँगी, आज दोनों ही वाइट, 2 दिन से रेड पिंक येलो रह रहा है, आज आएगा वाइट फ्लावर। तो गाइस एक रेड फ्लावर भी मिल गया था, तो रेड फ्लावर भी ले लिए, जाकर रूम पर आ गए हम डी ब्लॉक पे। एंड मेरा रूम नंबर कितना है, मेरा रूम नंबर है D003। ये है मेरा रूम D003, लॉक करके नहीं गई थी, खोलो सुचंदा। और ये है अपना रूम, ये आ गए हम रूम पे। तो गाइज मैंने रख दिया फ्लावर की जगह पे, कितना अच्छा लग रहा है ना व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज अभी टाइम मेरा 7:40 एंड सुचंदा अभी जस्ट गई नहाने के लिए, तो सुचंदा जब निकलेगी तो मैं भी चले जाऊंगी नहाने के लिए। एंड वैसे भी आज तो ब्रेकफास्ट मुझे कैंटीन में नहीं जाना है, कैंटीन में तो आज अच्छा नहीं मिलता है, तो आज तो रूम पे ही कुछ खा लूँगी। तो हाँ सुचंदा निकलेगी फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, एंड देन लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे रूड़की, क्योंकि आज सुचंदा की तबीयत खराब है ना, तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास होके आएंगे, पता नहीं कितना लेट होगा, लेकिन पहले तो अभी लंच करेंगे, लंच करने के बाद जाएंगे। तो मैंने बैग ले लिया, उसके अंदर बॉटल्स वगैरह है। गाइस लंच हो गया है हम लोगों की, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रुड़की। मैं तो पूरा फेस को कवर कर लिया, एंड ये भी छतरी ले लिया अपना, तो अभी जाके ऑटो करेंगे, ऑटो से चले जाएंगे रुड़की। गाइस हम लोग रुड़की पहुँच गए, एंड गाइस बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, तो अभी अपना काम करके जल्दी से वापस चले जाएंगे हॉस्टल में, क्योंकि इतना धूप में सही नहीं है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा धूप है। तो गाइस सुचंदा को डॉक्टर दिखा के आ गए, एंड डॉक्टर दिखाने का काम हो गया, तो उसके बाद हम लोग आए थोड़ा सा मॉल पे, हम लोग कुछ मतलब शॉपिंग वगैरह करना है, तो बस अभी मॉल पे आए, कुछ टाइम बाद अभी जाएंगे और कुछ काम है उसके लिए। गाइस हम लोग के सारे शॉपिंग हो गया है, अभी जाएंगे कुछ खाने के लिए, हम लोग लंच करके आए थे, लेकिन अभी कुछ चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, इसलिए हम लोग अभी खाएंगे एंड देन चले जाएंगे हॉस्टल पे। तो गाइस आज सुचंदा के काम मतलब सुचंदा के डॉक्टर दिखाने नहीं होते ना आज तो, मतलब बिल्कुल नहीं आते, इतना धूप पे बिना काम पे कौन आता है भाई, लिटरली नहीं आते, इतना ज़्यादा धूप है ना। तो अभी सुचंदा कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे, तबीयत खराब है इसलिए फ्रूट्स वगैरह लेना जरूरी है। अभी हम लोग खाएंगे चना चाट, इतना धूप में तो हालत ही खराब हो गई, इसको शक्ल देख के लग रहा है।
टाइम हो रहा है 7:34 और हम लोग के डिनर टाइम हो गया है, तो हम लोग आ गए अभी डिनर करने के लिए। एंड एज यूजुअल सबसे पहले हम ही लोग आते हैं डिनर करने के लिए। आज इतना ज़्यादा टाइम हो रहा है कि आज मार्केट से आए, उसके बाद जो रेस्ट कर रही थी, रेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ी टाइम से लग रहे होंगे, बस कैंटीन से खाना खा के रूम पर जाऊँगी। हम लोग जो से पता नहीं क्या है खाने में, देखते हैं। अब तो बुधवार है, बुधवार पनीर नहीं मिलेगा, पनीर तो कल नहीं मिला था ना दोपहर को, पनीर नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या मिलते हैं। भूख तो बहुत लगे, जो मिलेगा वो तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन होप सो टेस्टी मिल जाए खाना कुछ। अभी तो सब बंद है, तो हम लोग ही सब ओपन करेंगे। तो गाइस आज खाने पे है चावल और रोटी, वो तो रोज रहेगा, और है दाल और आलू चोखा, आज आलू खाना पड़ेगा। क्या हो गया, कुर्सी नहीं मिल रहा, इतना कुर्सी है पूरा खाली है तुम्हारे लिए, कुर्सी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं खा लो। तो मैं ले लिया अपना खाना, अब जल्द से खा के देखती हूँ कैसा टेस्ट है। आलू चोखा ही है, क्या टेस्ट होगा। रोटी अब चंदा वेट करे रोटी के लिए, बहुत गर्मी है, मैं तो आज रोटी नहीं खाने वाली हूँ, मैं तो चावल खा रही हूँ। इधर प्रतीक खा रही है और मेरे कैमरे पर बार बार देख रही है। तो गाइज़ मेरा डिनर हो गया एंड अभी टाइम हो रहा है 7:56 एंड अभी 5-10 मिनट बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि बाहर आज बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सा, तो 5-10 मिनट बाद मैं रूम पे चले जाऊँगा। मेरा बाल क्या हो गया देखो, घर तो नहीं है कि जितना मर्जी तक बाहर बैठ सके, हॉस्टल है भाई, दरवाज़ा बंद कर देगा तो पूरा रात बाहर ही रहना पड़ेगा। तो गाइस रूम पे आ गई एंड देख सकते कितना बाहर हवा चल रहा है, वाह ऐसे लग रहा है कि खिड़की ओपन करके रख दूँ, लेकिन खिड़की ओपन करेंगे तो कीड़ा आ जाएगा। तो वाह सुचंदा ऑसम फील, आप मेरा चश्मा क्यों कीड़ा हो जा रहा है। अब तो मुझे पता है सुचंदा खिड़की के सामने बैठ रहे हैं, क्योंकि सुचंदा को बहुत पसंद है ऐसा वेदर, जब भी ऐसा वेदर होता है ना सुचंदा बेड के सामने, मतलब मेरा वाला जो बेड है इधर खड़े रहते हैं, नहीं तो कुर्सी लेके इधर ही बैठ जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे वाला वेदर। तो गाइस देखिए मैंने आज भी बोरोलिन लगा लिया, क्योंकि मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस जल रहा है, तो इसलिए सुचंदा बोरोलिन लगा दिया। अभी सुचंदा नोवेल पढ़ रही है, हाय कर दो। वो मतलब जब भी ऐसे वेदर होता है ना, मतलब बहुत जब ऐसे रोमांटिक वेदर होते हैं, तो वे नोबल लेके बैठ जाती है। बाहर तो मस्त हवा चल रही है, अभी थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है। सुचंदा अभी नोबल पढ़ रही है अपना एंड मैं उसके सामने बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ। अभी तो ब्लॉग बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद तो मैं ये जो नोबल पढ़ती है ना, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। तो गाइस अभी बाहर पूरा मस्त वेदर है, तो मुझे अभी इस व्यू का मजा लेना है, इसलिए आज मैं ये ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।